अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली सुंबल और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के कुछ फंक्शंस को चेक करने वाले हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है हाई वॉच प्रो, अगर आप लोगों को नहीं डाउनलोड हो रही तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजी से डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेन्यू आ रहा है वो राइज टू अवेक है, जिसको मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है। अगर मैं इस वॉच को फॉर एग्जांपल ऐसे मैं पहनता हूँ, तो जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो ये वॉच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। मतलब जैसे मोबाइल का है कि आप उसको सेंसर लगे होते हैं, मोबाइल को ऐसे ऐसे करने से मोबाइल ऑन हो जाता है। तो इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है अलार्म्स का आ रहा है। अलार्म मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अलार्म यहाँ पर सेट कर सकते हो, डे एंड डेट सेट कर सकते हो और इसको अलार्म को कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों के पास जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो है सेडेंट्री रिमाइंडर। ये मतलब आप किसी जगह पर अगर ज़्यादा बैठ गए हो तो ये फ़ौरन से वाइब्रेट करके आपको रिमाइंड करा देता है। इसके बाद जो एक ऑप्शन है ये बहुत ही मज़े का ऑप्शन है फाइंड का। तो जैसे ही आप लोग फाइंड करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये वॉच ऑन हो गई है और ये फाइंडिंग के लिए चली गई है। तो आप लोग स्टॉप करके इसको रिमूव कर सकते हो। इसकी एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि ये सिंपल से वाइब्रेट कर रहा है, इसके बाद ये कोई भी ऑप्शन वगैरह नहीं शो कर रहा है या कोई भी साउंड वगैरह नहीं शो कर रहा। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है रिमोट शटर का। तो जैसे ही इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1, 2, 3 में काउंटिंग आ रही है और ये पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोगों के पास और कौन कौन से ऑप्शन आते हैं हम लोग को देखने वाले हैं सिंपल से। इसके बाद एक ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाता है मैसेज पुश का, बहुत ही मज़े का ऑप्शन है। इससे आप लोग अपने कॉल रिमाइंड्स या कॉल रिमाइंड्स का तो ये बता रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑन ही है। इसके बाद SMS रिमाइंड है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब आप लोगों के पास यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ जाती हैं और ये यहाँ पर बता रहे द फॉलोइंग एप्लीकेशन आर नॉट सपोर्टेड बाय सम ब्रेसलेट। ये एप्लीकेशन हो सकता है कि इस वॉच से ना सपोर्ट हो सकें। इसके बाद हमारे पास एक अगला ऑप्शन आता है वो है रीसेट डिवाइस। तो इसको मैं जैसे ही करूँगा तो वॉच रीसेट हो जाएगी, जो कि मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल करने के मूड में नहीं हूँ। इसके बाद हमारे पास रिमूव डिवाइस है, रिमूव मैंने कर दिया तो फिर मेरे पास कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग सकता है। इसके बाद अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स के ऑप्शन में देखते हैं क्या आता है। इसमें सिंपल वाइब्रेट्स आ रहा है, वाइब्रेशन की सेटिंग आ रही है। इसको इनेबल करेंगे तो वॉच वाइब्रेट होगी, इसको डिसेबल करेंगे तो वॉच वाइब्रेट नहीं होगी। उसके बाद इसको हम लोग बैक कर रहे हैं और यहाँ पर OTA अपग्रेड, जैसा कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में आती है अपडेट्स आती हैं वैसे इसकी OTA अपग्रेड है, लेकिन यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि चार्जिंग इसमें नहीं है भाई, ये अपग्रेड नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।